सो यूके गवर्नमेंट ने 17 जुलाई को बहुत ही अच्छी अनाउंसमेंट करी है जहां पे उन्होंने यूके एम्प्लॉयमेंट राइट बिल को इंट्रोड्यूस किया है और इस बिल के अकॉर्डिंग कुछ कुछ एक्शंस ऐसे हैं कि अगर आपकी कोई कहीं पे एक्सप्लॉयटेशन हो रही है या अगर आपका एम्प्लॉयर आपका फायदा उठा रहा है या फिर आपको कहीं पे गलत ट्रीट किया जा रहा है तो वहां पे क्लियरली बताया गया ki, kya -kya है कि क्या क्या ऐसे चेंजेस हैं जो कि अब एम्प्लॉयमेंट राइट्स में आते हैं अब आप चाहे ये सोच रहे हो कि आप एज अ माइग्रेंट यहाँ पे काम कर रहे हो या आप एज अ वीजा टाइप पे हो या नहीं हो वीजा टाइप पे उससे इसका कोई भी लेना देना नहीं है ये मैं आपको सबसे पहले लेना देना नहीं है सो so ये जो बिल है अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया गया उसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि अभी गवर्नमेंट को पता लग गया था कि यहाँ पे काफी ज्यादा लोगों का एक्सप्लॉयटेशन होना स्टार्ट हो गया है यहाँ पे जो स्पेशली केयर वर्कर्स या सीनियर केयर स्टाफ थे उनके लिए यहाँ पे बहुत मुश्किल हो गया था सरवाइव करना क्योंकि बहुत लोगों ने गलत हरकतें कर दी थी बहुत इंप्लॉयर्स ने फायदा उठा लिया था तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ने ये जो स्टेप लिया है कि उन्होंने अपने इम्प्लॉय बिल को इंट्रोड्यूस किया है या एम्प्लॉयमेंट राइट्स पर उन्होंने फोकस किया है ये ये न्यू गवर्नमेंट के लिए बहुत पॉजिटिव है क्योंकि अब जो भी इम्प्लॉयज इसके थ्रू जा रहे थे जो भी लोग इसमें फंसे हुए थे उनको ये काफी हेल्प करेगा प्लस जो नए लोग हैं या जो लोगों के साथ में ऐसे इश्यूज नहीं हुए थे अब वो लोगों को अवेयरनेस है कि हाँ भाई मेरा ये राइट है कि अगर मेरे साथ में कुछ गलत होता है तो मैं अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट आ सकता हूँ तो पूरी वीडियो में मैं आपके साथ में डिटेल में यही शेयर करूंगी उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें कि मैं आपके साथ में स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि क्या ये बिल है और आपको ये कैसे

डे वन राइट्स के हिसाब से अगर आपने फर्स्ट डे भी उस कंपनी को ज्वाइन किया और आपके साथ में कुछ अनफेयर हो रहा है तो आपके पास में राइट right है कि आप उस एम्प्लॉयर के अगेंस्ट आप इशू फाइल कर सकते हो सो so, कभी ऐसा हो जाता है कि प्रोबेशन पीरियड में आप होते हो और प्रोबेशन पीरियड में आपको अनफेयरली उन्होंने निकाल दिया या आपको वहां से डिसमिस कर दिया तो अगर आपको लगता है कि उन्होंने अनफेयर ये डिसीजन लिया है तो आपके पास में राइट right होता है कि आप उनके अगेंस्ट ये फाइल कर दो कि हाँ भाई मेरे एम्प्लॉयर ने ऐसा करा है और दूसरा जो पॉइंट है वो ये है कि जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट्स को हटा दिया जाएगा सो so बेसिकली पहले क्या होता था कि एम्प्लॉयर्स आपको ऐसे जीरो आर कॉन्ट्रैक्ट पे रखते थे जहां पे वो आपको बाद में बताते थे कि हाँ भाई, आपकी इतने बजे की शिफ्ट है ये होने वाला है और फिर लास्ट मोमेंट पे आपकी शिफ्ट कैंसिल भी हो जाती थी ये बहुत बड़ा इशू होता था तो लोग अपना सब कुछ प्लान उस हिसाब से करते थे और फिर बाद में लास्ट में उनको पता लगता है कि भाई हमारी तो शिफ्ट ही नहीं लग रही है हमारी शिफ्ट ही नहीं लग रही तो इस चीज को गवर्नमेंट ने नोट किया है और बोला है कि इंप्लॉयर्स को आपको क्लियरली

पे या पैसों की वजह से या फिर किसी भी और रीजन की वजह से बट अगर अब आपको ऐसा लगता है कि आपको कंपनी से फायर कर रही है फिर बोल रही है कि आपको एक महीने बाद हम हायर कर लेंगे बट आपको हम सैलरी कम देंगे क्योंकि हमारा बजटिंग हो गया है या कुछ ऐसा इश्यू हो गया है, तो अब गवर्नमेंट ने ये क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको किसी को फायर करना है तो आपको क्लियर मैंशन करना पड़ेगा और आप उनको रिहायर करके फिर से सेम काम या सेम चीज में आप उनको रिहायर नहीं कर सकते हो तो ये भी अच्छा है क्योंकि अगर देखा जाए तो लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि आप अपनी कंपनी के ऊपर क्वेश्चन रेस कर सकते हो आप किसी के पास जा सकते हो अपना इशू रेस करने के लिए नेक्स्ट पॉइंट है फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का तो पहले क्या होता था कि आप नेगोशिएट करते थे कि हाँ भाई मेरे को इतने दिन काम करना है इतने दिन काम नहीं करना है या इतने दिन मैं वर्क फ्रॉम होम करना चाहता हूँ या फ्लेक्सीबिलिटी आप जिस भी तरीके में चाहते थे तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि अब एम्प्लॉयर्स को फ्लेक्सिबल वर्किंग आर्स देने चाहिए अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा देने चाहिए अनलेस ऐसा कुछ वो मेजर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होती तो जहाँ भी एम्प्लॉयर्स फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए उनको दे वहाँ पे प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि इंप्लॉयज और अच्छे से उस पर रिएक्ट कर सकें अपना काम और अच्छे से कर सकती जहाँ फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है वहाँ इंसान थोड़ा सा अच्छे से काम करता है ये गवर्नमेंट का सोचना है तो उन्होंने फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का भी एक क्लॉज ऐड किया है विच इज वेरी गुड और नेक्स्ट पॉइंट जो गवर्नमेंट ने बोला है वो कंसिडर किया है मेटर्निटी से जो लोग रिटर्न आते थे तो बेसिकली उन्होंने पहले ऐसा होता था कि अगर आप मेटर्निटी से रिटर्न आए हो तो कंपनीज आपको ले लेती थी बट फिर कई बार ऐसा होता था कि वीक्स वीक्स के के बाद में, के बाद में में वो निकाल देते थे और फिर वो कुछ भी ऐसे अनफेयर रीजन की वजह से निकाल देते थे बट अब गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसा नहीं कर सकती अनटिल सिक्स मंथ जब तक आप मेटर्निटी से वापस आते हो उसके बाद सिक्स मंथ तक आपको कोई भी ऐसा अगर अनफेयरली कोई आपको वहां से निकालता है आपकी जॉब से निकाल देता है तो आपके पास में राइट है कि आप उन उनपे क्वेश्चन कर सकते हो आपके पास में राइट है कि आप अपने एम्प्लॉयर से ये चीज रेज कर सकते हो कि हाँ भाई आपने मुझे अनफेयरली क्योंकि मैं मेटर्निटी से आई थी इस रीजन से निकाल दिया गया ये काफी पॉजिटिव है क्योंकि बहुत सी फीमेल्स हैं जो कि ये डरती हैं कि हाँ भाई मैं क्या उतना प्रोडक्टिव हो पाऊंगी क्या मुझे उतनी फ्लेक्सीबिलिटी मिलेगी नए बच्चे के साथ में तो वो क्या करती है या तो वो अपना करियर स्टॉप कर देती है या होल्ड पर रख देती है काफी लंबे टाइम के लिए तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा एक गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इनिशिएटिव लिया है और ये सारी फीमेल्स के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है उसके साथ-साथ पैटरनिटी लीव्स या पैटरनिटी फ्लेक्सिबिलिटी की भी बात हुई है तो जो फादर्स हैं जो कि सेम वोट में है उनका बच्चा हुआ है उनके लिए भी ये पॉजिटिव न्यूज़ है नेक्स्ट पॉइंट है इक्वल पे लेजिस्लेशन तो गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर है उसको अपने सारे एम्प्लॉयज को इक्वली पे करना पड़ेगा बेस्ड ऑन जेंडर चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो चाहे कोई भी जेंडर हो या फिर कोई भी अगर कास्ट या कोई भी या वो किसी भी अलग कल्चर से हो तो उनको वहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए ये कंसिडर करने के लिए उन्होंने बोला है कि सबको इक्वल पे राइट्स होना चाहिए और इसमें गवर्नमेंट को ऊपर ये भी एक्शन आया है एम्प्लॉयर्स को कि आपके पास में अगर टू से ज्यादा लोग हैं तो आपको एक रिपोर्ट टाइप सबमिट करनी पड़ेगी जहाँ पे आप मैंशन करते हो कि आपके इस एम्प्लॉय का ये बैकग्राउंड है और हमने इसको इतना पे करा एंड ऑल दैट तो इसमें भी कुछ एक चेक है विच इज अगेन वेरी गुड वेरी पॉजिटिव फॉर एवरीवन और लास्ट एक पॉइंट जो है वो गवर्नमेंट ने बोला है कि एक सिंगल एनफोर्समेंट बॉडी होगी जो कि ये सारे एक्शन लेगी तो रैदर देन अगर आपको कोई भी इश्यू होता है किसी भी टॉपिक पे राइट right? आप अपने एम्प्लॉयर्स के अगेंस्ट जाना चाहते हो आप कुछ अपना पॉइंट रेस करना चाहते हो कुछ इश्यू रेस करना चाहते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको मल्टीपल एजेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा एक बॉडी ऐसी होगी जो कि ये सारा आपका मैनेज करेंगी इन टर्म्स ऑफ कि आपकी रिक्वेस्ट लेना फिर आगे फॉलो अप करना फिर उन उनकी तरफ से सुनना एंड ऑल दैट तो ये जो आपके लिए प्रोसेस होगा ये काफी स्मूथ हो जाएगा तो आपके लिए एम्प्लॉयमेंट राइट बिल जो है वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है अगर आप यूके में जॉब ऑलरेडी कर रहे हो या फिर आप अगर यहाँ पे आने भी वाले हो और आपके हो सकता है आपने वीजा फाइल आप यहां पे इंटरव्यूज दे रहे हो तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए जानने के लिए कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो प्रमोट कर रही है कि जो इंप्लॉयर्स हैं वो थोड़े से फ्रेंडली और ज्यादा हो जाए पे किसी भी टाइप का एक्सप्लोर्टेशन ना हो सो so गाइज यही मैं आपके साथ में इस वीडियो में शेयर करना चाहती थी यूके गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप जाके चेक कर सकते हो सारी डिटेल ऑलरेडी पब्लिश्ड है और हमसे आप इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो कोई भी क्वेश्चन है कोई भी कमेंट है तो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे जरूर बताओ और अगर आपको लगता है कि इंप्लॉयमेंट राइट बिल अच्छा है या नहीं है ये मुझे डेफिनेटली आप शेयर करिए सो विल कम